हेलो एंड वेलकम। तो साथियों बहुत बहुत करता हूँ स्वागत है आपको अपने चैनल एजुकेशनल पॉइंट के ऊपर आने के लिए एंड एजुकेशनल आर के पॉइंट आने के लिए। और आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग की कुछ ऐसी क्वेश्चन जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। जैसे कहने का अर्थ ये है कि लीप ईयर दे देगा, लीप ईयर में कितना दिन होते हैं, अगर आज के दिन 2007 के दिन बुधवार था तो अगले दिन 2008 के दिन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पटना यूनिवर्सिटी की रीजनिंग क्लास में, रीजनिंग में एंड बिहार बीएड में क्वेश्चन पूछी जाती है। तो ये मोस्टली दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अब मैं यहां से आता हूं इंपॉर्टेंट बात कि आपको मेरी सभी के सभी क्लास कहां से मिलेगी। तो देखो जो पटना यूनिवर्सिटी वाले हैं उनको बस एक काम करनी है कि मेरे चैनल पर जाने से मैं कि आप ये चैनल देख रहे हो, ठीक है, और मेरा चैनल का नाम है एजुकेशनल पॉइंट जो बिहार बीएड वाले उनके ही बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ये दोस्तों मेरा चैनल हुआ, मेरे चैनल के लोगों पर आपको जाना होगा। जाने के बाद देखो यहां पर क्लिक करना पड़ेगा आपको प्ले लिस्ट पर, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप जाओगे यहां पर, देखो यहां बिहार बीएड 2 ईयर्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करो और मेरी सभी के सभी वीडियो बिहार बीएड के लिए आप देख सकते हो। आप देखो जो पीयू वाले हैं उनको बताया था। सबसे पहले दोस्तों आपको जानी पड़ेगी मेरे एजुकेशनल पॉइंट वाले चैनल पर, ठीक है। मैं आपको दिखाया था मेरे चैनल के नाम के, जो एजुकेशनल पॉइंट चैनल का नाम है उस पर जाओ। उस पर जाने के बाद देखो यहां प्ले लिस्ट पर क्लिक करो। मैं आप लोगों को समय खा रहा हूं पता है, लेकिन दोस्तों थोड़ा करना पड़ता है। अब यहां देखो लिखा हुआ पटना यूनिवर्सिटी, इस पर क्लिक करो। और इसमें मैंने 3 क्लास बना दी है पटना यूनिवर्सिटी की ऑलरेडी, ये तीनों जीके की है और आज मैं लाया हूं रीजनिंग की फर्स्ट क्लास। देखो क्लास 1 क्लास 2 एंड क्लास 3, ये देखो दोस्तों। अब मैं दोस्तों आता हूँ मुद्दे की बात में। देखो मेरे याद क्या रही है कि मैं किसी भी चैप्टर के बारे में पढ़ाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ जितना निचोड़ हो सके उससे, नींबू की तरह निचोड़ लूँ, क्योंकि उससे जितना क्वेश्चन बन सके वो बना लूँ, मतलब आप लोगों को बता दूँ ताकि नेक्स्ट टाइम बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, देखिए है क्या कि अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पर करना जैसी तैयारी तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, वो तो आप लोग की इच्छा है। अभी तो बहुत सारे बच्चे ऐड हो चुके हैं तो ऐड हो जाइए। उसके बाद दोस्तों और बता दूँ कि ऐड होने का नियम आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछी जाती है वीडियो के अंदर में तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जवाब देने से क्या होगा आपके अंदर जो लॉयल्टी है वो झलकेगा और आपको मन करेगा और पढ़े, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलो मैं अब आता हूँ क्वेश्चन के ऊपर में। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछी जाती है, कहने का यहाँ पर ये है, देखो यदि किसी लीप ईयर वर्ष का पहला दिन मंगलवार हो तो उसका अंतिम दिन क्या होगा, या फिर कल से पहले का दिन गुरुवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देंगे तो फिर आप लोग से नहीं बने पाएगी, ठीक है। तो इसको कैसे बनाया जाए मैं आप लोग को इसी वीडियो में ये बताने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें हम दोस्तों 5 से 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 5 से 10 क्वेश्चन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन ही पूछेंगे जो कि आप घर से बनाकर लानी है, मैं घर से बनानी है और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। तो मैं देखिए इसको बनाने के सबसे पहले शुरुआती कुछ जो नियम है वो आपको याद करनी पड़ेगी, ये आपको कहीं कहीं कॉपी में लिख लीजिए। शुरुआती नियम क्या है मैं बता देता हूँ फटाफट। तो इसमें देखो दोस्तों उसमें होता क्या है, आपको 3 चीज समझना पड़ेगा। 3 चीज क्या है, पहले तो समझना पड़ेगा आपको लीप ईयर के बारे में, ठीक है। देखो जो दोस्तों जो लीप ईयर जो होता है ना वो हमेशा होता है 4 साल पर आता है, हमेशा क्या आता है 4 साल पर। लेकिन उससे पहले कुछ चीज और जान लो, ये जान लो कि एक साल में 365 दिन होता है, 365 डे होता है, 52 सप्ताह होता है, ये याद करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं होगा एक साल में 365 दिन, सामान्य साल में जिसमें लीप ईयर नहीं है, सामान्य साल में 365 दिन, 52 सप्ताह, और फिर उसके बाद आपको और हर एक दिन मिलके बना होता है। इस चीज को रटना पड़ेगा आपको कि एक साल में 365 दिन होता है, 52 सप्ताह होता है। लेकिन जब वही बात दोस्तों हो जाए लीप ईयर का, तो लीप ईयर दोस्तों हर 4 साल पे आती है, कहने का आती है कि लीप ईयर में क्या होता है दोस्तों 366 दिन हो जाता है, बस इसमें एक दिन बढ़ जाता है। अब एक दिन कहां बढ़ता आपको याद करना पड़ेगा, अगर किसी भी साल में लीप ईयर नहीं है तो उसमें फरवरी में होगा 28 डेज, इसको रट लेना, ठीक है, फरवरी में होगा 28 डेज। अगर साल में किसी लीप ईयर है किसी साल का तो उसमें फरवरी में दोस्तों 29 डेज हो जाएगा, ठीक है, बस यही एक दिन यहां बढ़ा देता है, तो इस बात को रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से आते हैं, देखिए एक होता है दोस्तों लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर हर 4 साल पे आता है। आप इसे कहेगा एग्जाम में निकालो, देखो है क्या कि मांग के चलो कि हम एक डाटा दे दिए, मांग के चलो 2002, बताइए 2002 लीप ईयर है या ना है। तो ट्रिक क्या है सुन लीजिए, इसको 4 से डिवाइड करो, अगर ये 4 से कट जाए तो ये लीप ईयर है, अगर नहीं कटे तो ये लीप ईयर नहीं है, ये निकालने का ट्रिक होता है, ठीक है। अगर दे दे आपको 2000, देखिए ये आपको 4 से नहीं कटता इसलिए ये लीप ईयर नहीं है, ये 4 से कटता है, हाँ जी कटता है, 4 से ये कट जाता है, तो कितना अंतर है, ये कटता है, जी हाँ ये लीप ईयर है, तो हाँ है। क्या 2020 जो चल रहा है वो लीप ईयर है, तो हाँ दोस्तों 2020 भी आपको लीप ईयर है, ठीक है। अब देखो एक होता है शताब्दी लीप ईयर, ये क्या होता है, तो दोस्तों शताब्दी लीप ईयर हर 400 साल पे आता है, कितना पर आता है, हर 400 साल पे आता है। इसको निकालने का ट्रिक क्या है कि अगर कोई भी नंबर 400 से कट जाता है, मतलब वो कौन सा ईयर है, शताब्दी लीप ईयर है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर 400 से कटे तो शताब्दी लीप ईयर है, कहने का 2400 से कटता है तो 400 करके देखो,
ये 4/5 हाँ है, तो मतलब 2000 क्या शताब्दी लीप ईयर है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक दोस्तों और आया है कैलेंडर वर्ष। ये क्या होता है दोस्तों, याद करो कैलेंडर वर्ष अलग होता है, वित्तीय वर्ष अलग होता है। मैं समझाता हूँ क्या, देखिए कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से शुरू होता है, ठीक है 1 जनवरी से शुरू होता है कैलेंडर वर्ष, और ये खत्म हो जाता है आपको 31 दिसंबर, ठीक है। वही दोस्तों वित्तीय वर्ष में उल्टा होता है, इसमें क्या होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है। आपको वित्तीय वर्ष जो होगा दोस्तों 1 अप्रैल से शुरू होगा, 1 अप्रैल से, और वही अगले साल 31 मार्च को खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वित्तीय वर्ष मतलब ये हुआ जिसमें हम लेखा जोखा करते हैं, इतना सारा चीज जो है आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको निकलेगा, ठीक है। आप मेरे ख्याल से ये समझ रहे होंगे। अब आते हैं यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन कैसे बनेगा देख लेते हैं। आप देखो जैसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है कि बताइए इसमें शताब्दी लीप ईयर वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं। यहाँ पर सिंपल सी बात दोस्तों है, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि शताब्दी लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं। तो दोस्तों होता क्या है दोस्तों, बता दूं कि आपको ये चीज को याद रखना पड़ेगा, इसे याद करना अच्छा तरीके कि जब भी शताब्दी लीप ईयर आएगा तो फरवरी में न तो 28 दिन होता है न तो 29 दिन होता है, फरवरी में दोस्तों 30 दिन निकल के आ जाता है, ठीक है। और ये आपको थोड़ा और लगेगा लेकिन दोस्तों आपको रटना पड़ेगा इसी तरह, ठीक है। ये शताब्दी में एक साल एक दिन और बढ़ जाता है फरवरी में, हमेशा तो शताब्दी लीप ईयर लिखा रहे, अगर सिर्फ लिखे लीप ईयर में फरवरी में कितना दिन तो 29 दिन, अगर शताब्दी लीप ईयर में कितना दिन फरवरी में तो 30 दिन यहाँ पर निकल के आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सुधा का जन्मदिन माह के तीसरे शनिवार को है, जिस माह का तीसरा दिन सोमवार है, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को सुधा का जन्मदिन पड़ेगा। आप देखिए ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो आप कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूं। अब देखो दोस्तों इसमें क्या कहता है कि सुधा का जन्मदिन माह के तीसरे शनिवार को है, जिस माह का तीसरा दिन सोमवार है, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को सुधा का जन्मदिन पड़ेगा। अब देखिए क्या, देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि सुधा का जन्मदिन माह के तीसरे शनिवार को है, जिस माह, देखो यहां देखो जिस माह का तीसरा दिन क्या है सोमवार है, मतलब क्या समझे कि कोई एक माह है जनवरी फरवरी तो कोई मतलब हमको नहीं है, कोई भी महीना, ठीक है कोई भी दोस्तों यहां पर महीना है, ठीक है कोई भी महीना को का थर्ड दिन, ठीक है तीसरा दिन क्या है दोस्तों, तीसरा दिन सोमवार है। तो आप इसे क्या सीखे, आप इसे ये सीखे कि अगर 3 तारीख को तीन तारीख को अगर सोमवार है, मतलब 2 कितना होगा, 2 को रविवार होगा, होगा या नहीं होगा, और 1 को कितना होगा, 1 तारीख को क्या होगा दोस्तों, शनिवार होगा। आप मुझे बताइए, आप क्वेश्चन में आते हैं, मुझे ये निकल गया कि 1 तारीख को क्या था, शनिवार था। आप आते हैं क्वेश्चन में, क्या कह रहे हैं सुधा का जन्मदिन माह के तीसरे शनिवार को है। आप बताओ दोस्तों अगर 1 तारीख को शनिवार है तो क्या 7 दिन के बाद शनिवार आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा, मतलब कि 8 तारीख को भी शनिवार ही होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हो गया पहला, ये हो गया पहला शनिवार, ये हो गया दूसरा शनिवार, और इसमें भी 7 जोड़ दो क्योंकि पता है कि सप्ताह होता है 7 दिन का, मतलब कि 8 को शनिवार, तो फिर अगला समय कब आएगा, 15 तारीख को आएगा, तो 15 को भी क्या होगा दोस्तों, शनिवार ही निकल के आएगा। मतलब जन्म कब हुआ था, तो सुधा का जन्म तीसरे माह को तीसरे शनिवार को अर्थात 15 तारीख को हुआ था। ऑप्शन में 14, 17, 12 है, इनमें से कोई नहीं है, अर्थात इसका आंसर कौन सा होगा, डी होगा, क्योंकि मेरा आंसर कितना आया, मेरा आंसर 15 आया। तो आप इस क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे काफी आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि दिल्ली से देहरादून के लिए प्रत्येक 30 मिनट पर एक बस खुलती है, यह घोषणा की गई कि देहरादून के लिए बस अपने निर्धारित समय पर 10 मिनट पूर्व खुली और दूसरी बस 11:20 पर खुलेगी, इस घोषणा पर समय क्या था। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आज मैं दोस्तों लेकर चल रहा हूँ कैलेंडर वाला, क्योंकि जितना भी कैलेंडर वाला है जितना भी चीज ये सब मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो आपको समय जो वाला है दोस्तों इसके लिए अलग फंडा चलता है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसी का पार्ट 2 लाऊंगा, ठीक है, कैलेंडर ये सब चीज का मैं पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन मेरे लायक है, देखिए कह रहा है कि जनवरी महीने का प्रथम दिन बुधवार है, यदि किसी भी सरकारी कार्यालय के केवल दूसरे व चौथे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश रहता है तो उस जनवरी के माह में कार्य दिवसों की संख्या निर्धारित कीजिए। आप देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए मैं चुटकी में आपको बनाकर दिखाता हूं हल करके, देखिए आप देखिए आते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ दोस्तों कि जनवरी महीने का प्रथम दिन बुधवार था। आप देखो अगर सोचो थोड़ा आप दिमाग लगाओ कि अगर 1 तारीख को बुधवार है, 1 तारीख को क्या है दोस्तों, बुधवार है, मतलब आप ही बताओ कि इतवार कब पड़ेगा। आप कहोगे सर इतवार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि किसी सरकारी कार्यालय के केवल दूसरे चौथे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश रहता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो अगर 1 को बुधवार है, मतलब 2 क्या हुआ, बिफे हुआ कि नहीं हुआ, 3 तारीख को क्या हुआ, शुक्र, 3 तारीख को क्या हुआ, शुक्र, और 4 को हुआ दोस्तों शनिचर, और 5 को क्या हुआ, इतवार। मतलब क्या सीखे दोस्तों कि 1 इतवार आई है 5 तारीख को, अब इसमें 7 अद कर दो, मतलब कि 12 को भी एक इतवार आएगी, 7 × 5 = 12, ठीक है, क्योंकि सप्ताह होता है 7 दिन का, तो 5 को इतवार, 12 को इतवार, फिर 12 7 में जोड़ दो 19 को इतवार, 19 से 7 जोड़ दो 16,
मतलब 36 आता था, ये क्या होएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। तो आप ये से कर सकते हो, एक महीना कितना का होता है, तो 27, तो यहाँ आ गया 26, ठीक है। मतलब कि 5 को भी आएगा, 12 को भी आएगा, 19 को भी आएगा, 26, मतलब ये 4 दिन क्या है, छुट्टी का दिन है, ये 4 दिन क्या है, छुट्टी है, इतवार पड़ता है। अब क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए केवल दूसरे व चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है। मतलब शनिवार कब पड़ता है दोस्तों, 4 तारीख को पड़ता है, मतलब 4 तारीख को पहला शनिवार, मतलब कि 12 तारीख को कितना हो गया, माफ करना, 11 तारीख को क्या हो दोस्तों, हो गया 11 तारीख को दूसरा शनिवार, तो इस दिन भी छुट्टी है, ठीक है। 11/7 कितना होता है, 19 तारीख को, माफ करना, 18 तारीख को फिर शनिवार, और फिर 25 तारीख को फिर शनिवार, मतलब दूसरे ये हो गया, चौथे ये हो गया, मतलब कि 2 दिन छुट्टी इधर, और इधर 1, 2, 3, 4, मतलब 6 छुट्टी। आप बताओ 21 में से 6 घटाओ कितना आंसर आएगा, ठीक है, तो कितना आएगा दोस्तों, 25 आएगा। मतलब इसका आंसर कौन सा होगा कि 25 दिन मोबाइल सिर्फ काम करते हैं, सिर्फ 25 दिन। आप लोग समझ में आ गई ना, मैं आपको फिर से एक बार आपको शॉर्टली में समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर 1 तारीख को बुधवार है, तो मैंने ये समझा कि 5 तारीख को इतवार होगा। अगर 5 तक इतवार होगा, मतलब कि सप्ताह में 7 दिन के बाद फिर इतवार आएगा, मतलब कि 5 को इतवार आएगा, 12 को इतवार आएगा, 19 को इतवार आएगा, और 26 को इतवार आएगा, मैंने ये सीख लिया। अब कहता है यहाँ पर ये 4 दिन छुट्टी तो है ही, लेकिन आपको सप्ताह में 2 दिन और छुट्टी है, दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार, मतलब 2 दिन छुट्टी इधर, आ इधर 4 दिन छुट्टी, तो कितना छुट्टी, 6 छुट्टी। आप 31 में से 6 छुट्टी घटाओगे, मतलब कि 25 दिन तो काम करोगे ना, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 25 निकल के आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हैं। आप देखो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि महेश को विश्वास है कि रमेश का जन्मदिवस 25 सितंबर के बाद, किंतु निश्चित रूप से 2 अक्टूबर से पूर्व पड़ता है। अब लोकेश को निश्चित रूप से याद है कि रमेश का जन्मदिवस सितंबर माह में है, किंतु सितंबर के अंतिम दिन नहीं है। रमेश का जन्मदिन कब है? आप देखो मैं इस क्वेश्चन कैसे बनाऊँ काफी आसानी से। आप देखिए पहली बात यहाँ क्या कह रहा है, मैं कोई इसी बताऊँ, बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है मुझे। आप कह रहा है कि रमेश का जन्मदिन 25 सितंबर के बाद है, मतलब कि 25 तारीख के बाद, मतलब 25 को तो है नहीं, अर्थात कितना निकल गया, 26 को हो सकता है, 27 को हो सकता है, 28 को हो सकता है, या फिर 29 को हो सकता है, या फिर दोस्तों 30 को हो सकता है, इसी 1, 2, 3, 4, 5 दिन में से हो सकता है। निश्चित रूप से 2 अक्टूबर से पहले पड़ता है, मतलब कि 2 अक्टूबर से पहले, मतलब 1 तारीख को भी हो सकता है, 1 अक्टूबर को भी, मतलब कि मेरे पास वो 26, 27, 28, 29, 30 और 1, ये निकल के आया। अब आते हैं लोकेश को निश्चित रूप से याद है कि रमेश का जन्मदिवस सितंबर माह में है, मतलब सितंबर में ही है, ये सीखे, किंतु सितंबर के अंतिम दिन नहीं है, मतलब ये सीखे कि सितंबर में 30 तारीख को है नहीं और 1 अक्टूबर छट गया। अब आते हैं दोस्तों 26, 27, 28, 29, आप देखिए इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें 26, 25 सितंबर, इसमें 26 भी हो सकता है आंसर, 27 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, या फिर 29 भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, सबको सबको पता है कि यहाँ पर अपूर्ण सूचना है, मतलब मुझे कुछ कंफर्म नहीं हूँ, और ऑप्शन के देख कर लग रहा है क्या आंसर होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, अपूर्ण सूचना, ठीक है। अब आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह दिया हुआ है कि यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार हो, तो उसका अंतिम दिन क्या होगा। अगर यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन, मतलब कि 1 जनवरी को अगर मंगलवार निकलता हो, तो उसका अंतिम दिन क्या होगा। आप देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि मुझे पता है, क्या पता है दोस्तों कि लीप वर्ष में साल में 366 डेज होते हैं, मुझे पता है ना। चलो अब मुझे पता है दोस्तों कि अगर इसको मैं 7 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे ये निकल जाएगा कितना और दिन बचता है, कितना और दिन बचता है, 7 डिवाइड करो, 7×5=35 करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो 1 निकल के आएगा, फिर ऊपर से निकल गया 6, अब 7×14 निकल जाओ तो कितना आएगा, मतलब 2, मतलब 2 दिन और बचता है। तो दोस्तों वही 2 दिन आपको बढ़ा देनी है मंगलवार में, तो मंगलवार क्या आता है, बुध, ठीक है, बुध का क्या आता है दोस्तों, बिफे। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है कह रहा है यहाँ पर कि उसका अंतिम दिन क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन के अंदर में दिया कि यहाँ पर मंगलवार हो तो उसका अंतिम दिन क्या होगा, मतलब 365 दिन के अनुसार में हम चलेंगे तो उसका और डेज मात्र एक ही दिन बढ़ता है, तो इसके अनुसार में हम यहाँ पर मार सकते हैं इसका आंसर दोस्तों, अंतिम दिन बुधवार निकल के आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या है थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन आप इसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अगर 7 को भाग दोगे ना 366 से, मैं कहता हूँ मैं पर गलती कर दिया हूँ, 366 से भाग दोगे ना 1 शेष बचता है। अब आगे आ जाओ दोस्तों, यहाँ पर कल से पहले का दिन गुरुवार था, कल के बाद कौन सा दिन होगा। आप देखिए अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्या कह रहा है, कल से पहले का दिन क्या था, गुरुवार था, मतलब क्या समझे कि आज क्या है बताओ, कल से पहले, मतलब कि एक तो आज डेट हो गया आज का, ठीक है, आज के बाद दोस्तों आज के पहले कल, और उसके पहले गुरुवार, मतलब कि अगर उस दिन गुरुवार था तो ये क्या हो गया, गुरुवार, बिफे, यहाँ पे ये शुक्रवार हो गया, शनिवार, मतलब कि आज क्या है दोस्तों, शनिवार है,
इससे हम ये निकाल लिए कि आज क्या है, शनिवार है, और आज कल के बाद कौन सा दिन होगा, मतलब कि शनिवार के बाद एक दिन रविवार, रविवार के बाद कौन सा दिन होगा, तो सोमवार होगा। तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। मैं आपको बोर्ड पर ही बताता हूँ, क्वेश्चन हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं आपको बोर्ड पर ही यहाँ समझ रहा हूँ, फंस गया है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है साथ में, कि कल से पहले का दिन गुरुवार था, कल के बाद कौन सा दिन होगा। आप देखिए मान के चलो कि ये, मान के चलो कि ये आज का डेट है, ठीक है, इसके कल, इसके कल के एक दिन पहले गुरुवार था, मतलब इस दिन गुरुवार था, तो ये क्या हो गया दोस्तों, बुधवार, गुरुवार, ये शुक्रवार, और ये क्या हो गया दोस्तों, शनिवार, मतलब कि आज हो गया शनिवार। अब क्वेश्चन कर रहा है कि इसके कल, इसके कल के एक दिन बाद क्या होगा, मतलब शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार, इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, सोमवार। आप इसको आराम से दोस्तों आंख बंद कर सोमवार इसमें मार सकते हो। इस टाइप क्वेश्चन ऐसे बनाई जाती है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि दर्पण वाला समय वाला, तो मैं आपको पहले ही बता कि आज मैं आपको टाइम देकर नहीं चलूंगा, टाइम के लिए इसका पार्ट टू वीडियो लाऊंगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। अब मैं आपको ट्रिक क्या बताया कि जब भी आपको लीप वर्ष बोले तो आपको पहचानेंगे ट्रिक क्या है, कि उसको चार से डिवाइड देकर देखो, तो जिससे भी चार से कटता हो वो लीप ईयर्स है, और जिससे नहीं कटता हो तो दोस्तों वो लीप ईयर नहीं है। देखो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें ये सब कटेगा, ये भी कटता है चार से, ये भी कटता है, ये बस चार से नहीं कटेगा, इसका आंसर सी निकल जाएगा। तो आप इसको चार से डिवाइड कर देख लेना। अब यहाँ दिया होगा कि यदि एक वर्ष में 25 अगस्त का, एक वर्ष में 25 अगस्त का दिन बृहस्पतिवार हो तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो देखिए मैं बताया होता, लेकिन उससे पहले देखो 12 नंबर ये दिया हुआ है, कल से पहले का दिन शुक्रवार था, तो कल के बाद कौन सा दिन होगा दोस्तों। मैं आपको ये बता रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। आप देखो ये जो क्वेश्चन है आपको घर से बना करानी है, और ये आप लोग कर्तव्य बनते कि इसका आंसर दोस्तों आप लोग को नीचे देनी है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, घर से बना के दोस्तों आपको लानी है। कल से पहले का दिन शुक्रवार था, तो कल के बाद कौन सा दिन होगा, मैं आपको लास्ट एक आना बता के उसके बाद आपको, आपको यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि वर्ष, यदि एक वर्ष में 25 अगस्त का दिन क्या था, बृहस्पतिवार था, तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। आप मुझे बताओ दोस्तों कि अगर दोस्तों 25 अगस्त को, अगर 25 अगस्त को क्या है दोस्तों, 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है, क्या है आपको, बृहस्पतिवार है, तब मुझे बताइए 26 को क्या होगा दोस्तों, 26 को होगा शुक्रवार, होगा या ना होगा। 27 को क्या होगा दोस्तों, 27 को होगा शनिवार, होगा ना दोस्तों। और 28 को क्या होगा दोस्तों, तो 28 को रविवार। और 29 को कितना निकल के आएगा दोस्तों, कि 29 को निकल के हमको ये निकल के आया कि उस दिन सोमवार था। अब हमको दोस्तों निकल चुका है यहाँ पर, अगर 25 तक बृहस्पतिवार था तो 26 को शुक्रवार, फिर शुक्र, 27 को शनिवार, 28 को रविवार, और 29 को दोस्तों सोमवार निकल गया मेरा। चलो आप विशेष निकालेंगे, तो अगर 29 को सोमवार है तो 29 में से 7 माइनस करो, कितना 9 से 7 किया तो 2, मतलब कि 22 को भी सोमवार, फिर 22 में से 7 माइनस करो, 29 को सोमवार है, 22 को सोमवार है, 5 मतलब 15 को भी सोमवार, तो 29 को सोमवार, 22 को सोमवार, 15 को सोमवार, फिर 8 तारीख को भी सोमवार है ना, फिर 1 तारीख को सोमवार, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5 इसमें कितना सोमवार निकला, तो 5 सोमवार निकल के आया। तो इसका आंसर दोस्तों आप आंख मुंडकर इसका 5 आंसर मार सकते हो। तो इस क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मेरे ख्याल से दोस्तों जो आपको मैं होमवर्क दिया हूं तो वो आप जरूर बना के लाइएगा। और दोस्तों मैं फिर से बोलता हूं कि मेरी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर चाहते हो ऐड होना तो ऐड हो जाओ, सभी का नियम कानून दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गया तो आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा, आपको अभी नहीं रहा फायदा, लेकिन ऐड हो गया तो बहुत सारा आपको फायदा मिल जाएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करो कि हाँ सर आपकी आज की क्लास बहुत अच्छी थी, मुझे समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से लाइव क्लास में आकर बता दूंगा। और मैं एक जानकारी और दे दूं कि कल जो है आपको बिहार बीएड की 10 बजे से जो होती है लाइव टेस्ट, वो तो चलेगी ही चलेगी, और आप लोगों को भी 8 बजे सुबह में लाइव टेस्ट तैयार रहना। कल संडे है और हर संडे को मैं जितना पढ़ाया हूँ एक सप्ताह के अंदर में आप लोगों को लाइव टेस्ट लूंगा। जरूर पटना यूनिवर्सिटी वाले तैयार रहना आप लोग, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो गरीब बच्चे हैं उनके पास ये शेयर करो वीडियो, गरीब बच्चे बिना कोचिंग क्लास के, बिना किसी से पढ़े हुए फ्री में यहाँ से पढ़ सकते हैं मेरे से, ताकि उनको पटना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम निकल जाए, बिहार बोर्ड का एंट्रेंस निकल जाए। गुड बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।